दिल्ली में अप्रैल से लेकर अब तक करीब 18 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। राजधानी में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों को देखते हुए अब दिल्ली सरकार सचेत हो गई है। किसी बड़ी अनहोनी की आशंका को भांपते हुए सरकार ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत दिल्ली के निवासियों को ये बताया जा रहा है कि भूकंप आने की हालत में अपना बचाव कैसे करें और क्या एहतियात बरतें। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखें सुरक्षित। दिल्ली सरकार ने सलाह दी है कि सभी लोग अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिकॉर्ड्स को स्कैन करके ऑनलाइन या अपने ईमेल एड्रेस पर सुरक्षित रख लें। दिल्ली सरकार के 1077 नंबर को भी अपने मोबाइल पर सेव कर लें। घर और ऑफिस की मजबूती की जांच करवाएं। सरकार की अगली सलाह ये है कि लोग अपने घर और काम करने वाली जगह की मजबूती की जांच करवाएं। अगर जरूरत पड़े तो इंजीनियर से सलाह लें। अगर घर में कहीं दरारें या दूसरी खामियां हैं तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक करवा लें। दिल्ली सरकार ने अपने परामर्श में कहा, जांच कर लें कि आपके घर या ऑफिस के सभी फर्नीचर जमीन, दीवार और छत से मजबूती के साथ सटे हों या बंधे हों। पहियों वाले फर्नीचर और कोई स्टोरेज उपकरण जमीन पर जहां भी रखे हों वहां वो अच्छे तरीके से लॉक किए गए हों। इन चीजों से दूर खड़े रहें। भूकंप आने के दौरान अगर आप बाहर हों तो खुली जगह पर जाएं। पेड़, साइन बोर्ड, बिल्डिंग, बिजली के तार और खंभों से बिल्कुल दूर रहें। अगर आप इस दौरान घर के अंदर हों तो ड्रॉप कवर होल्ड का प्रयास करें, यानी किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे चले जाएं। एक हाथ अपने सिर पर रखकर उसे सुरक्षित करें और दूसरे हाथ से फर्नीचर को थाम लें। खिड़कियों, बुकशेल्फ, बड़े आकार के शीशे, लटकते हुए पौधे, पंखे और दूसरी भारी चीजों से भी दूर रहें। भूकंप के झटके रुकने तक अपने आप को इन चीजों से बचा कर रखें और जब झटके रुक जाएं तो घर से बाहर निकलकर खुले मैदान की ओर जाएं। दिल्ली सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि आपातकालीन किट जैसे टॉर्च, पावर बैंक, चार्जिंग केबल, जरूरी दवाइयां, एलर्जी की बीमारी से संबंधित जानकारी, थोड़ा बहुत कैश, जरूरी पहचान पत्रों की फोटोकॉपी, अपने ब्लड ग्रुप की जानकारी, फर्स्ट एड किट और पानी का इंतजाम हमेशा रखें। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।